दोस्तों एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स नाई की दुकान पर बाल और दाढ़ी बनवाने के लिए गया। जैसा कि अमूमन होता है, नाई और ग्राहक के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। बात जब अल्लाह के मौजू पर आई तो नाई ने कहा, मुझे नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के वजूद पर यकीन नहीं है। ग्राहक ने पूछा, वो क्यों? नाई ने कहा, इसके लिए बाहर सड़क पर एक नज़र डालना ही काफ़ी होगा। अगर अल्लाह होता तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतनी औलादें यतीम होती, दुनिया में इतना रंजोगम होता? मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह का वजूद होता तो वो हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देता कि दुनिया इतने मसाइल से भरी हुई हो। ग्राहक ने कुछ देर सोचा, लेकिन उससे कोई जवाब ना बन पड़ा। वैसे भी वो बहस करने के मूड में नहीं था। नाई ने उसके बाल और दाढ़ी बनाए और वो पैसे देकर दुकान से बाहर निकल आया। उसी वक्त उसके सामने से एक शख्स गुजरा जिसके बाल और दाढ़ी लंबे और बेतरतीब थे और लग रहा था कि बहुत अरसे से वो नहाया भी नहीं है। ग्राहक वापस दुकान में दाखिल हुआ और नाई से कहने लगा, जानते हो क्या, मेरे ख्याल में दुनिया में नाइयों का भी कोई वजूद नहीं है। नाई ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, मैं नाई हूँ और मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, अभी अभी तुम्हारी दाढ़ी और बालों की हजामत की है। ग्राहक ने जवाब दिया, मैंने कहा ना कि कोई वजूद नहीं है नाइयों का, अगर होता तो ऐसे लोग हरगिज नजर ना आते, जैसा कि मैंने अभी अभी तुम्हारी दुकान के सामने से गुजरते देखा है, लंबे और उलझे बालों और दाढ़ी के साथ। नाई ने जवाब दिया, नहीं जनाब, नाई तो मौजूद हैं, अब अगर ऐसे लोग हमारे पास ना आएं तो हम क्या कर सकते हैं? ग्राहक ने फिर जवाब दिया, बिल्कुल यही बात है, अल्लाह भी हर जगह और हर जमाने में मौजूद है, अब अगर लोग इसे ना ढूंढें, इससे राब्ता ना करें और सच्चे दिल से इसकी पैरवी और अतात करके इससे ना मांगे तो ये अल्लाह का तो नाउज़ु बिल्लाह कसूर नहीं है। ग्राहक की ये बात सुनकर नाई लाजवाब हो गया।